हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश मंथन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश वर्मा और आज हम स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया या भारत के प्रमुख शोध संस्थान इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो या किसी स्टेट का PCS हो, आप इसमें से एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI जो कि लखनऊ में है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि यदि किसी शहर में एक या उससे अधिक इंस्टीट्यूट हैं तो मैंने उन्हें एक साथ कंपाइल कर दिया है जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो इसमें पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स नई दिल्ली में है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये सारे इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो कि लखनऊ में है। नेक्स्ट है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो कि कानपुर में है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन शोध संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च जो कि कानपुर में है। अब देहरादून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि देहरादून में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। पहला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, फिर है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये सारे जो चार हैं देहरादून में ही स्थित हैं। अब हैदराबाद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हैदराबाद में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है। इसमें पहला है कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो कि हैदराबाद में ही है। अब मुंबई में देख लेते हैं कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या बार्क जिसे कहते हैं, ये तीनों के मुख्यालय मुंबई में ही हैं। अब कोलकाता के बारे में देख लेते हैं कि कोलकाता में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। पहला है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जांच तथा मृदिका अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर है भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये चारों के चारों रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में ही इनका मुख्यालय है। नेक्स्ट है बेंगलुरु, बेंगलुरु में तीन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है जिनके मुख्यालय बेंगलुरु में ही हैं, रमन अनुसंधान संस्थान, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय खगोल संस्थान। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान या सुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल या हरियाणा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो कि जमशेदपुर में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो कि अहमदाबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह मैसूर में, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की उत्तराखंड में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईगुड़ी और बेंगलोर, कराईगुड़ी जो है बेंगलोर के अंतर्गत आता है, आपको दोनों नाम याद रखना है, क्षेत्रीय नाम भी और जिस शहर में है वो भी। नेक्स्ट है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो कि कासरगोड केरला में है। नेक्स्ट है केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुर्गापुर में है और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये आपको याद रखना है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसे आप याद रखना है CSMCRI, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है।
नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है, सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ये दोनों को आपको मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, तो इसका आंसर होगा धनबाद। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला जो कि पुणे में है। नेक्स्ट है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान या इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च जो कि गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो कि गोवा की राजधानी पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वाराणसी यूपी में आता है। नेक्स्ट है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला या हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान या नीरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि नागपुर में इसका मुख्यालय है। भारत इलेक्ट्रिकालिक लिमिटेड जिसे बेल कहा जाता है, BEL, यह है जलाहली या बेंगलोर, आपको दोनों नाम याद रखना है, जलाहली भी और बेंगलोर भी। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है। आपको यहाँ पास एक बात और बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वह है कहाँ पास है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो बड़वानी में है। नेक्स्ट है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, यह है खड़कवासला पुणे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, इसे आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे, जिसे शॉर्ट में निमहांस कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो कि गुरुग्राम या गुड़गांव जो कि हरियाणा के अंतर्गत आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में, ये क्वेश्चन MPPSC 2018 या 17 में आ चुका है। नेक्स्ट है क्लासिकल लैंग्वेज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कोची केरला में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।